महात्मा फुले ने महाराष्ट्र में स्कूल चलाए, माता सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी ने जब स्कूल खोले वहां पर, तो वहां पर भी फातिमा शेख जैसी हमारी माता ने स्कूल अपने घर अपना घर देके स्कूल खोलने का काम करवाया था। क्यों तो ये इतिहास जब हमारे पुरखों का भी साथ मुस्लिम समाज ने उस समय दिया, गोलमेज सम्मेलन में भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया जिन्ना जैसे लोगों ने, जब गांधी जी ने वहां भी षड्यंत्र किया कि बाबा साहब का साथ मत देना, अब वो ऐसा लालच दिया कि मैं यहां बता भी नहीं सकता, लेकिन वहां भी मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब का साथ दिया और बाबा साहब ने मंडल जो वहां का गोलमेज सम्मेलन थे वहां से हमारे लिए हक अधिकार लेके आए। साथियों, देश में हमको वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया। हमको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो भी डॉक्टर बाबा साहब ने दिलाया। शिक्षित होने के बाद नौकरी चाहिए, नौकरी का भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिलाया। नौकरी के बाद प्रमोशन की भी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, कायम की संविधान लिखे जब उन्होंने आर्टिकल 15(4) में शिक्षा की व्यवस्था की, 16(4) में नौकरी की व्यवस्था की, आर्टिकल 16(4)(a) में प्रमोशन की व्यवस्था की, लेकिन बाबा साहब जानते थे, तो बाबा साहब ने कहा कि ये मेरे कौम के लोगों, मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ फिर षड्यंत्र होगा, ये जो अधिकार मैंने दिए हैं ये षड्यंत्रकारी लोग तुम्हें ज्यादा दिन देने वाले नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना ही अच्छा हो लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर नालायक बैठ गए, षड्यंत्रकारी लोग बैठ गए तो संविधान का कोई मतलब नहीं हुआ। आज वही स्थिति निर्माण हुई कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको शिक्षा और नौकरी का जो व्यवस्था की थी, जो प्रतिनिधित्व दिया था हमको, वो षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। साथियों, कैसे प्राइवेटाइजेशन किया, 1991 में उन्होंने एलपीजी नाम का कानून बनाया। जानते हैं एलपीजी नाम का कानून आप? एक भी नहीं जानते, कितने पिछड़े हैं हम, बैकवर्ड हैं। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पीछे प्राइवेटाइजेशन, जिसे ग्लोबलाइजेशन। इस पूरे भारत का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पूरे भूमंडल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कैसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रोड ठेके में, बिजली ठेके में, ट्रेन ठेके में दे दिए, बेच दी, अभी एयर इंडिया भी दे दिया, दिल्ली का लाल किला ठेके में दे दिया, सब ठेके में। तो ठेके प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो SC ST OBC का सत्यानाश हुआ, OBC में मुस्लिम भी आते हैं कई जाति के लोग, तो SC ST OBC का जो सत्यानाश किया इन लोगों ने वो LPG नाम के कानून से किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिसकी वजह से आज सरकारी सेक्टर जीरो होते जा रहे हैं। 10 साल में आपको सरकारी सेक्टर एक भी नहीं दिखने वाले भारत में, ना तो स्कूल दिखेगा आपको, ना और कुछ दिखेगा आपको। मेरी बात हो सकता दिमाग से ऊपर जा रही है, जब बामसेफ के लोग 2012 के बाद से प्रचार कर रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, तो हमारे लोग कहते थे ईवीएम में गड़बड़ होती है क्या भाई, ऐसा बोलते थे, ईवीएम में गड़बड़ होती है क्या? अरे जब मोबाइल से पेमेंट डाल सकते हो, पैसा कट सकता है बैंक से, पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो ईवीएम से वोट नहीं कट सकता क्या? अरे जिस देश ने, जर्मनी, जापान ने, चीन ने जो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई है, वो कह रहा है कि हमें ये मशीन अब काम की नहीं, 80 में बंद कर दी उन्होंने। कब बंद कर दी? 80 में ही बंद कर दी जापान, अमेरिका ने, जर्मनी ने, और हम 80 के बाद लाए। कौन लाए वो भी मालूम होगा आपको, मालूम है कौन लाए? कांग्रेस जिनको खूब धोखा हमने, आज भी धोख रहे हैं। 60 साल में 65,000 दंगे करवाए उन्होंने, 50,000 मुसलमानों को जेल में ढूंढने का काम किया है।
मैं उसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, जिसको खूब वोट देते हैं हम। नहीं बोल रहा, ये षड्यंत्र भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। दुश्मन की रणनीति को समझना पड़ेगा और समय समय पर सबक भी सिखाना पड़ेगा। तो ईवीएम का जो मामला है वहां से उस समय उठाता था, पूरे देश में जनजागृति करता था, लोगों को ऐसे ही लगता था। इंगानों में एलपीजी नाम की जो कानून लाए, इंगानों में किसकी सरकार थी मालूम है आपको? मालूम है? बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बुरा लग जाएगा, है ना। फिर 2003 में सेज नाम का कानून लाए। कौन सा कानून? सेज, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समझ रहे हैं आप। 2003 में किसकी सरकार थी सेंट्रल में, समझ रहे हैं? कौन लाए कानून? जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टियां खुल रही है, सन सिटी, स्मार्ट सिटी, ये बड़े बड़े जोन बन रहे ना, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही है हजारों एकड़ जमीनों में, ये सेज नाम के कानून से हुआ। दो कानून उनने बना दिए, अब दो कानून किनने बनाया उसका भी बता देता हूँ। दो कानून फिर 14 के बाद जिसकी सरकार बनी वो लाए FDI, डायरेक्ट इन्वेस्ट फॉरेन, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्ट करें हमारी धरती पे आके, समझ रहे आप। अरे एक कंपनी आई थी 1699 में, उसने हमको गुलाम बनाया। यहाँ 36,000 कंपनियों को लाने की प्लानिंग है, कितनी? 36,000 कंपनियां आ जाएगी तो ये छोटी मोटी किराने की दुकानें सब बंद हो जाएगी। FDI कानून का नुकसान बता रहा हूं मैं। FDI आने से बड़े बड़े मल्टी, जो ये जो पाकिजा जैसे है, विशाल जैसे है, जितने बड़े बड़े मॉल बने ना, ये जहां जहां बनेंगे ना, तो छोटी छोटी दुकानें अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे मार दे। वो NRC भी लाए तो एकदम से नहीं निपटाएंगे, इसका असर 24 के बाद दिखेगा आपको, सितंबर में चालू हो जाएगी जनगणना आपकी। FDI समझ में आ गया आपको? FDI से जो यहाँ के जो व्यापारी है, छोटे कारोबारी है, वो विदेशी कंपनियों का बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में गाय गोबर और हिंदू मुसलमान, गाय गोबर और हिंदू मुसलमान, इनको टेक्नोलॉजी नहीं देती कि जर्मनी, जापान, इजराइल जैसा, कोरिया जैसा देश अमेरिका को चुनौती देता है। कैसे देता है? इल्म से, इल्म। अभी उस पर भी चर्चा करूंगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने क्या आदेश दिया आपको, उस पर भी मैं आऊंगा। इल्म पे दुनिया आज इल्म से आगे बढ़ रही, गाय गोबर से नहीं बढ़ रही आगे। लेकिन भारत का जो मीडिया है वो सिर्फ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अमित शाह, दोनों के अलावा कोई तीसरा बताएगा ही नहीं, भरोसा है, समझ रहा। अरे भारत में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतनी रैलियां निकल रही है, कोई पेपर नहीं छापेगा, छापेगा थोड़ी सी कोने में छाप के दे देगा। तो मीडिया भी आपकी बात नहीं भेज रहा है, मीडिया भी आपकी बात नहीं छाप रहा है। इस षड्यंत्र को भी आपको समझना पड़ेगा। सेज हो गया, FDI हो गया, फिर GST कानून समझ रहे हैं। गुड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस, गुड गुड अच्छा लग रहा है, गुड गुड है, तो कुछ फायदा मिला गुड सर्विस टैक्स से है? नहीं मिला, अभी और थोड़े दिन रुक जा, और ज्यादा फायदा दिखेगा। तो दो कानून ये लिया है, दो कानून वो लिया है, चार कानून से संविधान की बायपास सर्जरी कर दी उन्होंने, समझ रहे हैं। बायपास हार्ट सर्जरी होती, बायपास कि हार्ट को तकलीफ भी नहीं हो उसकी सर्जरी कर दो, ऐसा संविधान की इन्होंने बायपास सर्जरी करी। और ये लोग विदेशी हमसे राष्ट्रवाद की वो मांगते हैं सर्टिफिकेट, जो खुद यहाँ के नहीं है वो हमसे राष्ट्रवाद की वो मांगते सर्टिफिकेट कि ये देश के नागरिक है या नहीं। क्या ये लोग हमको देंगे सर्टिफिकेट है? अरे हमारे पुरखे यहाँ के हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है, देश हमारा है,
ये सिंधु सभ्यता और द्रविड़ संस्कृति के लोगों का देश है, ये आर्य विदेशी हमको सिखाएंगे कि तुम सर्टिफिकेट दो, ये देंगे हमको सर्टिफिकेट। अरे अभी राखी गढ़ी का डीएनए टेस्ट हुआ, जरा हरियाणा में हुआ पढ़ा कि नहीं आपने, थोड़ा रिसर्च करो, इल्म पैदा करो। राखी गढ़ी में अभी डीएनए टेस्ट हुआ है, हरियाणा में 3,500 साल का कंकाल निकाला, उसका डीएनए टेस्ट हुआ, उसका किससे मैच हुआ? आप और हमसे, इस देश के मूल निवासियों से हुआ, SC ST OBC माइनॉरिटी से, जो सिंधु सभ्यता और द्रविड़ संस्कृति के लोगों से हुआ मैच, यहूदियों से नहीं हुआ। आर्यों का आक्रमण समझते हैं? आर्यों का आक्रमण, उन आर्यों से मैच नहीं हुआ। राखी गढ़ी का अभी का ताजा उदाहरण बता रहा हूं, डीएनए का। तो आपको यह समझना पड़ेगा, अब 2-3 कानून फिर ले आए ये लोग, बचे कुचे, ये बचे कुचे कानून मनुस्मृति कानून नहीं है। मनुस्मृति समझते हैं आप लोग? मनुस्मृति समझते हैं? नहीं समझते? 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था मनुस्मृति। इस देश में 1950 के पहले मनु महाराज, जो ब्राह्मण थे, मनु महाराज का कानून चलता था, मनुस्मृति संविधान था। अगर SC ST OBC के लोग गीता रामायण सुन ले, शिव पुराण सुन ले, तो उनके कान में शीशा पिघला के डालना चाहिए। अगर किसी उनके पुरखों का राम, जय हनुमान, इनका भी नाम लिख दे, बोल दे, तो उनकी जीवान काट ली जाए। ये मनुस्मृति में लिखा है, नहीं हो तो मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा। ये कानून लिखे थे इन्होंने, उसमें हमको जानवरों से बदतर बनाया, इनको कोई अधिकार नहीं पढ़ने लिखने, शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र रखने का, कुछ भी।